हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक एम एम टेक्निकल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरे पास ओप्पो A5 सेट है और इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो हम इसे आप लोगों को अनलॉक करके दिखाऊंगा UMT से। तो फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हो यहाँ पर हम पासवर्ड ट्राई कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग पासवर्ड दिखाई दे रहा है। तो सिंपली से आप लोगों को एक बार मॉडल चेक करके हम दिखा देता हूँ। सबसे पहले *#899# प्रेस करना होगा, उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर वर्सन में जाना होगा, उसके बाद हम इसे मॉडल आप लोगों को चेक करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है CPH1909। तो सिंपली से आप यहाँ पर मॉडल सर्च कर सकते हो अपना गूगल से। तो यहाँ पर हमारा ओप्पो A5s है, सिंपली से हम इसे अनलॉक करके दिखाऊंगा। तो चलिए डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने पीसी के ऊपर आज सिंपली से हमारा UMT MTK टूल ओपन कर लेना है। जैसे ओपन हो जाए हमारा फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, उसके बाद फ़ोन को दोनों वॉल्यूम अप डाउन बटन प्रेस करके फ़ोन को कनेक्ट करना। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। तो सिंपली से यहाँ पर हम टूल A4 पे क्लिक कर देते हैं। जैसे टूल A4 पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम आप लोगों को ब्रांड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मॉडल सेलेक्ट हो जाए हमारा फ़ोन का पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ करने के बाद हमें क्या करना होगा, सिंपली से जो करना है मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो सिंपली से हमारा पावर ऑफ हो चुका है। जैसे पावर ऑफ हो जाए हमारा दोनों बटन एक साथ प्रेस करके USB को इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली से आपको इस मेथड पे रहना देना। उसके बाद जो हमें क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर रीसेट ऊपर क्लिक करना है। सिंपली से इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम दोनों बटन एक साथ प्रेस करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर प्रेस करके USB केबल को लगाते हैं, माइनस प्लस दोनों एक बार साथ बटन प्रेस करके। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मैंने दोनों बटन एक साथ प्रेस करे, उसके बाद जो हम USB केबल लगाएंगे उसके बाद जो हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने USB को कनेक्ट कर लिया, उसके बाद हमारा फ़ोन भी कनेक्ट हो चुका है। फ़ोन कनेक्ट, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। तो सिंपली से यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना, फ़ोन को दोनों बटन एक साथ प्रेस करके USB को लगा देना है। जैसे USB लगा देना, यहाँ पर हमारा ग्रीन मोड आ जाएगा। आप लोग देख पाओगे ग्रीन मोड, हमारा ग्रीन लाइट आ जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ग्रीन मोड जैसे आ जाएगा, दूसरा स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिंपली से ग्रीन मोड आ चुका है। जो हमें करना है, सिंपली से यहाँ पर हमें रीसेट बटन पर ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फास्ट मेथड पर क्लिक करना होगा। सिंपली से इस पोजिशन में यहाँ पर फास्ट मेथड पर क्लिक करने के बाद हमारा फ़ोन रिबूट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ़ोन रिबूट, डाटा रीसेट होने के लिए था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ़ोन भी रिबूट हो चुका है। सिंपली से आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं है, इसे करके आप लोग फ़ोन को अनलॉक कर पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फ़ोन डाटा रीसेट अभी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ओप्पो लिखा हुआ आ गया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डाटा रीसेट अभी हो रहा है। तो डाटा रीसेट में होने में तो कुछ देर टाइम लगा था, तब तक के लिए आप लोगों को वेट कर लेना है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझ में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डाटा रीसेट कम्प्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग ओप्पो A5s कोई भी मॉडल आप लोग UMT से अनलॉक कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डाटा रीसेट हो रहा है अभी, तो इसमें थोड़ी देर टाइम लगेगा, तो हम इसे वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद दूसरा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जो हमारा फ़ोन कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, तो हम आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मॉल से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओप्पो लिखा हुआ अभी तक आ रहा है, जो हमारा फ़ोन का डाटा रीसेट अभी तक नहीं हुआ। जब कंप्लीट हो जाए मैं आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बता दूंगा, तब तक के लिए आप लोग वेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो डाटा रीसेट कंप्लीट हो चुका है। सिंपली से आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर हमें नेक्स्ट करके क्लिक ऊपर क्लिक करके हमारा फ़ोन को ओपन कर लेना है। जैसे हम नेक्स्ट करके यहाँ पर गेट स्टार्ट लोग दिखाई देगा, यहाँ पर स्किप करके फ़ोन को ओपन कर लेना है। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू करके आप लोगों को फ़ोन को ओपन कर लेना है। जैसे ओपन हो जाए हमारा फ़ोन पासवर्ड नहीं दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया, उसके बाद यहाँ पर मोर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करके हमारा फ़ोन ओपन हो जाएगा।
सिंपली से यहाँ पर हमें स्किप कर दूंगा, जैसे ही स्किप कर दूँ यहाँ पर पासवर्ड शो करेगा, हम पासवर्ड नहीं लेंगे इसलिए लेटर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारा फ़ोन कम्प्लीट ओपन हो जाएगा। और सिंपली से हमें स्किप कर लेना होगा, स्किप करने के बाद हमारा फ़ोन गेट स्टार्ट पर आ जाए, सिंपली से हमारा फ़ोन ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ़ोन ओपन हो चुका है। तो आज की वीडियो में आप लोग को यही दिखाने वाला था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों पर इस चैनल पर मिलती रहेगी। आप फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।